Next, example 2. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2 angle OPQ. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है T, ठीक है, सर्कल का सेंटर है O, तो उस पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए. अब टेंजेंट क्या होता है कि जो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ये TP और ये TQ. तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल OPQ एंड PTQ, ठीक है, उनका रिलेशन है. तो ये एंगल है PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ. तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर ये एंगल PTQ थीटा है तो ये उससे हाफ होगा, थीटा बाय 2. ये हमें प्रूव करना है. ठीक, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे. ठीक, फर्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे TQ एंड P. ठीक, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये आइसोस्केल ट्राइंगल होगा, यानी कि TP इक्वल टू TQ होगा. तो ये दोनों जो एंगल हो गए वो सेम हो गए. ठीक है, सपोज ये x है तो इसकी भी वैल्यू सेम आएगी. और दूसरा कैसा है कि जब भी कोई टेंजेंट ड्रॉ होता है तो वो टेंजेंट है और रेडियस तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि ये जो पूरा एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का. ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे. अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री. ठीक, अब ये दोनों एंगल इक्वल है. ठीक है, तो 180 इक्वल क्या होगा, थीटा प्लस 2x. ठीक है, तो x क्या आएगा, 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2, यानी क्या आएगा, 90 माइनस थीटा बाय 2. तो ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा बाय 2 और ये भी एंगल है 90 माइनस थीटा बाय 2. अब सिर्फ हम यही लेंगे, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का एडिशन होगा 90 डिग्री. ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जब भी होता है सर्कल को तो वो और रेडियस उसके बीच में एंगल फॉर्म होता है 90 डिग्री. तो 90 माइनस थीटा बाय 2, तो इसका मतलब ये एंगल हमें दिया नहीं है, हमें प्रूव करना है थीटा बाय 2. तो हम क्या करेंगे, इसको अज्यूम कर लेते हैं y है. ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 90 है उसके माइनस ये एंगल. ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 90 डिग्री आएगा. तो उस तरह से हम लेते हैं, तो 90 माइनस थीटा बाय 2 प्लस इसको y अज्यूम किया है, y इज इक्वल टू वो होगा 90 डिग्री. ठीक है, अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, थीटा बाय 2 राइट साइड आता है, 90 इस साइड आता है. तो 90 माइनस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू थीटा बाय, तो 90 माइनस 90 जीरो, तो वाई इज इक्वल टू थीटा बाय 2, यानी कि ये जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है थीटा बाय 2. तो हमने क्या प्रूव किया, यहां से स्टार्ट किया थीटा से और यहां पर आए तो ये आ रहा है थीटा बाय 2, यानी कि इन दोनों के बीच का रिलेशन है कि डबल है, यानी कि ये एंगल है ये इससे डबल है. ठीक है, तो इसी वे में यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ थ्योरी जो सॉल्यूशन है वो इसी तरह से प्रूव किया हुआ है, थीटा से स्टार्ट किया और थीटा बाय 2 तक गया.